पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद डिवीजन की सभी शाखाओं पर यूनियन के सभी सदस्यों ने केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर सहायक मंडल मंत्री कुंवर सोहेल खालिद के नेतृत्व में यूनियन के सदस्यों ने नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। सभी का ये कहना था कि सरकार आम आदमी के अधिकारों पर निशाना साध रही है, जो गलत है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। नॉर्दर्न रेलवे मैन्स यूनियन के सहायक मंडल मंत्री कुंवर सोहेल खालिद ने जानकारी देते हुए बताया कि महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा के फोन को रिकॉर्ड करने के लिए काम किया गया है, जिसके विरोध में हम आज रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मुरादाबाद डिवीजन की सभी शाखाओं पर आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हम लोग भारत सरकार के खिलाफ 7 दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। क्या मांगे हैं आपकी? 7 दिवस हम लोगों ने इसलिए मनाने का काम किया है कि भारत सरकार द्वारा जो हमारे ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री कमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी, जो 12 लाख मजदूरों की आवाज़ हैं, उनके फोन को हैक करने का मामला, उस जो सूची जारी गई थी पीघा से स्कूल गेट वाली, उसमें 136 लोगों की सूची है, उसमें ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी का भी नाम है। तो ये धिक्कार दिवस इसलिए मना रहे हैं कि हम लोग किसी राजनीतिक दल के लोग नहीं हैं, हम लोग कोई आतंकवादी नहीं है, हम लोग कोई देश विरोधी गतिविधियों में नहीं है, हम लोग मजदूरों की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। अगर उस फोन के टैपिंग में अगर कुछ मिलेगा तो मजदूरों का दर्द मिलेगा, मजदूरों की टीस मिलेगी, उनकी पीड़ा मिलेगी। सरकार निजीकरण और निगमीकरण बढ़ा रही है, कर्मचारियों को मिलने वाले जो देह भत्ते, हम लोगों के पूर्वजों जो शहादत देकर के बोनस और भत्ते दिलवाने का काम किया, उन पर भी कैसे चलाने का काम सरकार कर रही है। और सरकार ने नए रेल मंत्री चेंज किए हैं और सरकार का जो मैनिफेस्टो है कि रेल का निजीकरण हो, निगमीकरण हो, उस पर वो काम करने का काम करेंगे। तो हम लोग निजीकरण और निगमीकरण के विरोध हैं, हम लोग मजदूरों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं, हमारी कोई ऐसी गतिविधि नहीं है। तो हम लोग इस चीज़ की निंदा करते हैं और सरकार के खिलाफ धिक्कार दिवस मना रहे हैं कि आवाम का, जनता का और मजदूरों का फोन हैक करने से कुछ नहीं मिलेगा। आप देशद्रोहियों का फोन हैक कीजिए, आप लोग विद्रोही का फोन हैक कीजिए, ये हमारी मांग। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।